नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हाई एंड हाई एजुकेशन में स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विशेष रूप से आयोजित 18 महीने के डीएलएड कोर्स को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने एक बार फिर मान्य बताया है। एनसीटीई की माने तो यह कोर्स विशेष परिस्थिति में कराया गया था। यह शुरुआत से ही 18 महीने का था। एनसीटीई द्वारा स्पष्ट करने के बाद प्रदेश भर के 2,63,000 शिक्षकों में उम्मीद जगी है। ज्ञात हो कि 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वालों पर शिक्षक नियोजन में शामिल होने पर रोक लगी है। 6 महीने का इंटर्नशिप जरूरी नहीं, एनसीटीई ने खुद 18 महीने के कोर्स को मान्यता दी थी। इस कोर्स की अवधि को विशेष रूप से 2 साल से घटाकर 18 महीने किया गया था। एनसीटीई के अनुसार चूंकि यह कोर्स करने वाले तमाम शिक्षक हैं जो स्कूलों में पहले से पढ़ा रहे हैं, ऐसे में इन शिक्षकों को 6 महीने की इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इनके कोर्स की अवधि 18 महीने रखी गई थी। इसको लेकर एनसीटीई ने आदेश भी निकाला है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के चेयरमैन सीवी शर्मा ने इसको लेकर संसद से बने कानून का हवाला देते हुए कहा कि 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले ट्रेंड शिक्षक ही माने जाएंगे। देश भर के 13 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को यह कोर्स करवाया गया था। इनमें बिहार के भी 2,63,000 शिक्षक शामिल थे। वहीं एनसीटीई के आदेश के बाद शिक्षक एक बार फिर बिहार सरकार से अपना निर्णय बदलने की उम्मीद करने लगे हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।